Nasir, clinical psychologist. खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, because you deserve a better life. आज मैं बात करूंगी worthlessness पे, यानी जब हम अपने आप को कोई वक़्त नहीं दे पाते, यानी जब हमें लगता है कि हमारी कोई हैसियत नहीं है, हमें कोई प्यार नहीं करता, हमारा कोई ख्याल नहीं रखता और हम बिल्कुल यूजलेस हैं. तो ऐसी फीलिंग जब अपने अंदर आ जाती है तो फिर उसके साथ बहुत से ऐसे इश्यूज जुड़ जाते हैं जो कि हमें प्रॉब्लम दे सकते हैं. उन इश्यूज में एक इशू जो होता है वो होता है कि जब आप इस तरह से अपने आप को वर्थलेस फील करते हैं तो आप डिप्रेसिव मोड में जा रहे होते हैं, यानी आपके अंदर डिप्रेशन बढ़ रहा होता है. वर्थलेसनेस एक ऐसी ट्रेट है जो कि तकरीबन हर शख्स में मौजूद होती है जो कि डिप्रेसिव मोड में जा रहा होता है. इसलिए हमें इस बात को समझने की ज़रूरत है कि अगर हम अपने आप को बेवकत फील कर रहे हैं और हमें लग रहा है कि हमारा इस दुनिया में कोई फ़ायदा नहीं है, हमारी ज़िंदगी का कोई फ़ायदा नहीं है, तो हमें अलर्ट हो जाना चाहिए कि ये हमारा गलत सोचने का अंदाज़ है. अब ये वर्थलेसनेस आती किस तरह से है, इंसान किस तरह से उस लेवल पे पहुंचता है कि अपने आप को ही डीवैल्यू कर देता है, ये होता है इमोशनल अब्यूज के साथ, इमोशनल और वर्बल अब्यूज, जो कि हमारे माशरे में अक्सर घरों में, बल्कि बहुत ज्यादा घरों में नजर आता है कि बड़े जो हैं वो बच्चों को इमोशनली अब्यूज कर रहे होते हैं, अपने अल्फाज के ज़रिए, अपने जेस्चर्स के ज़रिए, अपने बिहेवियर्स के ज़रिए वो दूसरों को डिग्रेड कर रहे होते हैं, उनको ये एहसास दिला रहे होते हैं कि तुम कुछ भी नहीं हो, तुम्हारी कोई वक़्त नहीं है. अब ये एहसास जो है कुछ लोग डायरेक्टली दिलाते हैं, दूसरों को स्नब करते हैं, दूसरों को के साथ मिसबिहेव करते हैं, उन्हें कहते हैं तुम तो हो ही ऐसे, लेकिन कुछ लोग इनडायरेक्टली भी करते हैं, यानी कि वो आपको आपके किसी भी काम पे ये बात आपको कहेंगे या इसके इससे मिलता जुलता कुछ कहेंगे कि भाई अच्छा तुमने ये काम किया, तुमने ये काम कर लिया, अच्छा चलो और ये अच्छी बात है, यानी इस तरह से करके वो आपको डिग्रेड कर रहे होते हैं. अब हमें कैसे पता चलेगा कि एक शख्स जो है वो मुझे वाकई में कोई अच्छी बात बता रहा है या कि वो मुझे वर्थलेसनेस वाली फीलिंग दे रहा है. अब ये बात या जैसे कि इमोशनली अब्यूज कर रहा है, इस बात को समझने के लिए आपने ये बात जहन में रखनी है कि अगर कोई शख्स आपको कुछ कहता है और आप अनईजी होते हो, दैट मीन्स कि वो शख्स आपको इमोशनली अब्यूज कर रहा है. और अगर कोई शख्स आपको कोई बात कहता है और आप रिलैक्स्ड रहते हो और आप पॉजिटिव रहते हो, इसका मतलब है कि वो इमोशनली अब्यूज नहीं कर रहा. ये सिबलिंग्स में, आपस में बहन भाइयों में भी ये सिलसिला चलता है, वालदैन बच्चों के साथ कर रहे होते हैं, तुम तो निकम्मे हो, तुम ऐसे हो, क्रिटिसिज्म हो रहा होता है, कंपैरिजन हो रहा होता है, यानी वो तो तुमसे बेहतर है, उसने तो देखो ये सारे काम कर लिए, तुम ये भी नहीं कर पाए, या फिर क्रिटिसिज्म में कि तुम तो बिल्कुल ही यानी हमारी उम्मीदों के ऊपर पूरे नहीं उतरे, तुमने तो कुछ भी नहीं किया, तुम तो यूजलेस पर्सन हो. जब ये सारी बातें बच्चे के अंदर या टीनेजर के अंदर या एडल्ट के अंदर भी जब हम डाल रहे होते हैं तो हम इसके नतीजे में क्या हासिल कर रहे होते हैं. जो शख्स ऐसा कर रहा होता है वो अपनी ईगो को सेटिस्फाई कर रहा होता है, यानी जब दूसरे को स्नब करेगा तो उसकी ईगो बूस्ट होगी, उसे लगेगा ये तो कमतर है, मैं बहुत बेहतर हूँ. लेकिन दूसरे शख्स के ऊपर क्या अफेक्ट होता है, दूसरा शख्स फौरन अपने अंदर दब जाता है, उसके अंदर फिर हौसला नहीं रहता कि वो कुछ और करे, या फिर वो रिएक्शनरी हो जाता है, वो फिर मिसबिहेव करना शुरू हो जाता है. मोस्टली जब वो अपने अंदर दब जाता है, अपने अंदर हर चीज़ रखना शुरू कर देता है, जिसको कि हम कहते हैं कि वो इंटरनलाइज करता है अपने एंगर को, तो उसके नतीजे में फिर वर्थलेसनेस बहुत ज़्यादा उसके अंदर नज़र आना शुरू हो जाती है और ये उसके डिप्रेसिव सिम्टम्स में से एक सिम्टम होता है. यानी कि उसको दूसरों की बातों ने इतना ज़्यादा इस सोच को अपने अंदर फील करने और इस सोच को सोचने पर मजबूर कर दिया कि मैं कुछ नहीं कर सकता, मेरी ज़िंदगी बिल्कुल बेफायदा है, मेरी ज़िंदगी जो है इसमें कोई अच्छी बात नहीं है, मैं किसी के लिए कोई फ़ायदा नहीं कर सकता, कोई मुझसे खुश नहीं है.
कोई मुझे अपने मुझे बेहतर नहीं समझता, अच्छा नहीं समझता, ये सारा कुछ जो है फिर इसके अंदर थॉट्स में चलना शुरू हो जाता है। उसके साथ फिर इमोशंस डेवलप होती हैं, यानी जब सोचें ये होंगी वर्थलेसनेस वाली, तो फिर फीलिंग्स भी बहुत लो होंगी, यानी बहुत ज़्यादा उदासी, किसी से मिलने को दिल नहीं करेगा, कमरे में रहने को दिल करेगा। अब इसके लिए हमें करना क्या चाहिए? ये बात हमें बहुत ज़्यादा फैलाने की भी ज़रूरत है और अपने आप को भी समझाने की ज़रूरत है कि इमोशनल एब्यूज़ जो होता है ये बहुत गलत चीज़ होती है। ये कभी भी किसी दूसरे इंसान को बेहतर इंसान बनने में हेल्प नहीं करता। कई लोग कहते हैं भाई हम तो उसको क्रिटिसिज्म इसलिए करते हैं ताकि वो समझे कि उसके अंदर ये गलती है। समझाएंगे तो वो समझेगा, अगर क्रिटिसाइज करेंगे तो वो समझेगा नहीं, वो लो फील करेगा, वो अपने आप को बुरा महसूस करना शुरू हो जाएगा। तो जब हम एंगर अपने अंदर इंटरनलाइज करते हैं तो उसके नतीजे में हम बहुत सी और चीज़ों को दावत दे रहे होते हैं, जैसे कि हमारे खाने पीने का जो हमारी रूटीन होती है वो भी ख़राब हो जाती है, इसी तरह से नींद ख़राब होना शुरू हो जाती है, ओवरऑल हमारी फंक्शनिंग जो है वो डिस्टर्ब होना शुरू हो जाती है। और जब हमारी सारी फंक्शनिंग डिस्टर्ब होती है तो हमारी एक्टिविटीज़, हमारी जॉब, हमारे काम, वो सब भी डिस्टर्ब होना शुरू हो जाते हैं। इस तरह की सूरत हाल में हमें क्या करना है? वर्थलेसनेस देने वाले शख्स ने क्या करना है और लेने वाले शख्स ने क्या करना है? देने वाला शख्स यानी कि जो इमोशनल अब्यूज़ कर रहा है, उसको ये बात समझनी है कि मैं जब भी कोई बात दूसरे को कहूँ तो मैं उसका रिस्पॉन्स देखूँ। अगर मैं उसको कोई बात कहता हूँ और रिस्पॉन्स में वो शख्स जो है वो उस पर अनॉयड होता है, वो तंग आता है, वो इरिटेट होता है, दैट मीन्स कि ये आपका जो रवैया है ये सही नहीं है, आपकी बात सही नहीं है, आपको किसी और अंदाज में बात करने की ज़रूरत है। इसी तरह से जो वर्थलेसनेस महसूस कर रहा होता है, जिसको कि क्रिटिसाइज किया जाता है, कंपैरिजन किया जाता है, उसको बुरा भला कहा जाता है, उस शख्स को क्या करना है? उस शख्स को अपने आप को रिलैक्स करने के लिए रिलैक्सेशन की बहुत सारी एक्सरसाइजेज हम बताते रहते हैं, उनके ऊपर फोकस करना है। उनमें डीप ब्रीदिंग भी है, उनमें मसल रिलैक्सेशन भी है, उनमें योगा की कई टेक्निक्स होती हैं, उनमें माइंडफुलनेस की कई टेक्निक्स होती हैं, इसी तरह से सेल्फ हिप्नोसिस की कई टेक्निक्स होती हैं जिनको कि वो अपने ऊपर अप्लाई करके अपने आप को बेहतर फील करा सकते हैं। दूसरा ये कि अपने एंगर को बाहर निकालें। जब हम इंटरनलाइज करते हैं तो फिर हमारे अंदर वही नेगेटिव थॉट्स चलना शुरू हो जाती हैं, तो एंगर को बाहर निकालने के लिए वो कोई भी टेक्निक अपना सकते हैं, जैसे कि अपने किसी कोई कॉपी लेकर, कोई पेज लेकर उसके ऊपर अपना सारा एंगर, सारा गुस्सा लिखें और उसको फिर फाड़ के फेंक दें और डीप ब्रेथ लें और अपने आप को रिलैक्स करें। इसी तरह से सैंड बैग बॉक्सिंग जो है वो की जा सकती है, पिलो फाइट की जा सकती है, और भी कई टेक्निक्स होती हैं जो कि हम बताते हैं जो कि बहुत फ़ायदा देती हैं एंगर को बाहर निकालने में। फिर इसके अलावा दूसरी चीज़ ये कि उन्हें एजर्टिव होने की ज़रूरत है, यानी वो दूसरे के क्रिटिसिज्म को एज इट इज़ ना लें, बल्कि अपने आप को भी बताएं कि ये उसकी सोच है, मुझे अपने हवाले से खुद सोचना है, मेरी सोच मेरे लिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर वो शख्स मेरा फ़ायदा चाहता है तो वो मुझे तंग नहीं करेगा, वो ऐसी बात नहीं करेगा कि जो मुझे इरिटेट करे। अगर इसकी बात मुझे इरिटेट कर रही है, दैट मीन्स कि ये गलत बात है और मुझे इसको एक्सेप्ट नहीं करना, मुझे अपनी बात को एक्सेप्ट करना है, जो मैं चाहता हूँ, जो मैं सोचता हूँ अपने हवाले से। तो इस तरह से करके वो असर्टिव होगा, यानी अपने आप के बारे में भी सोचना शुरू करेगा और फिर दूसरों को वाजह तौर पे वो एक, जैसे हम कहते हैं कि उनको रुकने की इंडिकेशन दे सकता है, यानी उनको बता सकता है कि आपका ये जो क्रिटिसिज्म है, आपका ये जो कंपैरिजन है, दैट इज़ नॉट एक्सेप्टेबल। लेकिन ये वो तब करेगा जब वो एडल्टहुड में आ चुका होता है। बच्चे अगर हैं तो बच्चे रिएक्शनरी हो जाते हैं, वो जिद करने लगते हैं, वो लड़ाइयाँ करने लगते हैं, वो अपने से छोटों को मारने लग जाते हैं। तो हमें इस बात को समझना है कि ये सारे ये जो हैं ये बन कैसे रहे हैं? बेस उसी के ऊपर है कि वालदैन या बड़ों ने उनको बचपन से क्रिटिसाइज किया है, उनका कंपैरिजन किया है, उनको इमोशनली अब्यूज किया है।
तो इसमें हम इस तरह की कई टेक्निक्स अपना सकते हैं और अपने आप को बेहतर फील करा सकते हैं। इसके अलावा थेरेपी सेशंस जब लेते हैं तो थेरेपी सेशंस में हम बहुत से टेक्निक्स जो हैं उनकी प्रैक्टिस करवाते हैं, और वो टेक्निक्स थोड़े से लेंथी होती हैं, स्टेप बाय स्टेप चलवाते हैं उसमें, और उस पर फिर आप बेहतर से बेहतर होते चले जाते हो। ये जो कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी है ये बहुत इफेक्टिव है वर्थलेसनेस की फीलिंग्स के साथ भी, यानी डिप्रेसिव मोड में जब हम जा रहे होते हैं तो उसमें भी ये बहुत इफेक्टिव है। और इसके साथ हम वो स्किल्स सीखते हैं जो कि हम अपनी सारी जिंदगी में अपने आप को बेहतर रखने के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो आप इसके हवाले से हमेशा ज़हन में रखें कि इमोशनल एब्यूज़ बहुत बुरी चीज़ है, जिसको ना एब्यूज़ करने वाले को करना है और ना एब्यूज़ होने वाले को उस एब्यूज़ को लेना है। तो ये दोनों जो हैं इनको अपने आप को स्टेबल रखने की ज़रूरत है।